कोरोना। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में बढ़ गई है। आपको बता देते हैं, इस वक्त सचिन कोरोना संक्रमित की संख्या की अगर यहां पर बात करें तो 195 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें यहां पर स्पष्ट कर दें कि 32 विदेशी इनमें शामिल हैं और साथ ही 22 लोग इनमें ठीक होकर भी जा चुके हैं। अगर राज्यों के लिहाज से बात की जाए, 22 राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के 47 मामलों की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में बात करें तो 17 मरीज कोरोना से संक्रमित, वहीं केरल में 28 मामले हैं। आज की अगर बात की जाए तो 22 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, लोगों को में भरोसा जगाया और साथ ही जनता कर्फ्यू की बात उन्होंने आगामी रविवार को की। हम आपको बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कहां पर मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या कहां पर कितनी है। हरियाणा में 17, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं। कर्नाटक में आंकड़ा बढ़ रहा है, वहां पर अभी ये संख्या 15 हो चुकी है। केरल में 28 कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा हैं, 48 ये आंकड़ा है। पंजाब में कोरोना संक्रमित 2 हैं और राजस्थान में 7 लोग, 7 मरीज हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। तमिलनाडु में भी अब मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है। तेलंगाना में केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर यह आंकड़ा 16 हो गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित 4 हैं, वहीं लद्दाख में 10। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बना दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 19 मामले हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ का रुख कर लेते हैं। पूजा, 22 नए मामले आज सामने आए हैं, टोटल 195, जिनमें 22 ठीक होकर भी गए हैं। कैसे देखा जाए इस पूरी इन्फॉर्मेशन को? देखिए अदिति, इसे इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जिसे हल्के में ले रहे हैं उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि कल शाम को 5 बजे लिस्ट अपडेट हुई थी, जिसमें 171 मामले थे, अब 195 हो चुके हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 16 घंटे से कम वक्त में 22-23-24 नए मामले ऐड हुए हैं। ये बहुत कम वक्त है, मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने सही वक्त चुना राष्ट्र को संबोधित करने के लिए और गाइडलाइंस देने के लिए। लेकिन अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि जिस रफ्तार से ये मामले बढ़ रहे हैं उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर में आइसोलेशन में रहना अब बहुत जरूरी हो गया। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पूजा हम चला रहे हैं, शायद सिचुएशन ग्रेव है, हालांकि हम डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, घबराना नहीं है, लेकिन एहतियातन ये देखिए 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल उड़ानें नहीं होंगी। कल आधी रात से इंटरनेशनल उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है पूजा, ये देखते हुए कि ये वायरस जो है विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है अदिति और भारत सरकार ने बहुत वक्त रहते ये सारे कदम उठा लिए हैं। जिन देशों में ये ज्यादा फैला वहां दिक्कत यही आई थी कि बहुत देर से ये फैसले लिए गए थे, लेकिन भारत ने विदेशों से, खासतौर पर इटली और चीन से सबक लेते हुए बहुत पहले ये मेजर्स अपना लिए। लेकिन अभी जो दिक्कत है वो आम लोगों की दिक्कत है, जैसे दिल्ली के LNJP अस्पताल से 6 संदिग्ध भाग गए हैं, जैसे बहुत से लोग खुद आइसोलेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं, टेस्ट कराने से बच रहे हैं अगर उनकी हिस्ट्री भी है तो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल की, आपकी, मेरी, 131 करोड़ देशवासियों की है कि अगर कोई भी सिम्टम है, ट्रैवल हिस्ट्री है तो जरूर रिपोर्ट करें और भागे नहीं, वरना वो अपने साथ साथ कितने केसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि एक साथ 23 मामले 16 घंटे से कम वक्त में रिपोर्ट हो गए हैं भारत में। बिल्कुल, और ये अपनी जिम्मेदारी भी तो है कि कम से कम, तभी कहते हैं ना CM से काम ले, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कोरोना आपको इफेक्ट करेगा कि नहीं ये बहुत कुछ निर्भर सरकार की बजाय कहीं ना कहीं हम तो लगातार कह रहे हैं ये आप पर भी करता है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने एक एडवाइजरी जारी की है, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो में हर स्टेशन पर अब थर्मल स्कैनिंग लगाई जाएगी, थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। एडवाइजरी ये है कि अंदर जो है खड़े रह करके यात्रा नहीं होगी, 1 मीटर की दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, दूरी बना करके ही यात्रा होगी। और अगर जरूरी ना हो, हालांकि सैनिटाइज किया जा रहा तमाम डिब्बों को, और अगर जरूरी ना हो तो आप मेट्रो में भी यात्रा ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स पहले से कह रहे हैं क्योंकि क्लोज डोर एयर कंडीशन में ज्यादा खतरा रहता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट ने सफर किया हो या फिर कोई इन्फेक्टेड वहां पर आया हो, क्योंकि क्लोज डोर AC में इस तरह से होता है, तो ये पहले भी डॉक्टर्स भी इसकी एहतियात दे चुके हैं। तो ये दिल्ली की खबर है। और मुंबई की अगर हम एक और खबर जो आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई, मुंबई की, उस खबर का रुख करते हैं। मुंबई से जो खबर है,
दिल्ली की खबर तो हमने आपको बताई कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखे, 195 टोटल केसेस हैं और दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग होगी और मुंबई में कई जगहों पर रेलगाड़ियां रद्द की गई है। कल एसी लोकल को भी हमने देखा गया था कि उसे भी रोका गया और मुंबई में तो बीएमसी ने भी ये कहा था कि प्राइवेट कंपनीज को भी निर्देश है, बकायदा निर्देश है, वरना जुर्माना होगा, कम से कम 50% वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। बिल्कुल, और कई रेलगाड़ियां रद्द यहां पर करनी पड़ी, कई जगहों पर लोग परेशान हुए। देखिए एक बात आप समझिए, जान है तो जहान है। आप इस वक्त मौके की नजाकत समझिए, इस वायरस के संक्रमण का खतरा समझिए, और जो प्रधानमंत्री ने कल रात कहा बहुत जरूरी नहीं है तो मत निकलिए घर से, ये वक्त बाहर निकलने का नहीं घर में रहने का है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो टर्म है जो बीते दिनों में आपने कई बार सुनी होगी। हमारे यहां कम से कम लॉकडाउन नहीं किया गया। अगर सचिन यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर प्रॉपर लॉकडाउन है, मलेशिया में लॉकडाउन है, तमाम बड़ी कंट्रीज जो इस समय इसकी चपेट में है वहां पर लॉकडाउन है। हिंदुस्तान में कम से कम वो नौबत नहीं आई है। खतरे को आप टाल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये खतरा हिंदुस्तान से टल जाएगा हमारे रेस्पॉन्सिबल होने से, जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करने से। प्रधानमंत्री ने भी कल इसी तरह की बातें कही हैं, जरा सुनिए। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रयत्नशील देश है, और हम जैसे देश पर कोरोना का यह संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। ये हमने कल से देखा है कि जब से प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की, हालांकि आज कांग्रेस ने भी कहा है, अजय माकन ने कहा कि सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उसका साथ देंगे, और ये देर आए दुरुस्त आए हम ये कह सकते हैं। विपक्ष ने भी बिल्कुल बाकायदा साथ दिया, सॉलिडेरिटी नजर आ रही है। बॉलीवुड और जो बाकी तमाम फील्ड्स हैं उनकी तरफ से कई सेलिब्रिटीज लगातार ट्वीट कर रही थी कि जो इस वक्त प्रधानमंत्री की अपील है या फिर नेशन की अपील है उसके वो साथ खड़े। सचिन आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, हाँ, बस वही 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 उन्हीं का मैसेज हम अपने इनके फेवरेट है। नहीं नहीं मेरे फेवरेट नहीं है, एक्टर है, सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि हमें किसी की सुननी नहीं, सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना, फिल्टर लगा लगा के अपने फोटो। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मोरल ऑफ द मैसेज यही है, सचिन जान है तो जहान है, इकोनॉमी को तो उठा लेंगे। अब ये एहतियात बरतिए, खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। सचिन, मध्य प्रदेश में कमल आएगा या कमल जाएगा?